रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों, फिर भी दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो बहुत बहुत गलत था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप डांटिए मुझे, सुनाइए, कोसिए मुझे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी ना यहाँ सबको संभालने की, मैं नहीं निभा पाई। मैं आपकी डांट की हकदार हूं और यकीन मानिए मैं पलट के कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ बोलिए प्लीज, आपको जो सुनाना है, जितनी तेज चिल्लाना है प्लीज चिल्लाइए, प्लीज पर कुछ बोलिए प्लीज। एक आर्मी ऑफिसर का पहला और आखिरी प्यार उसकी वर्दी होता। फौज में भर्ती होने से पहले ही हमें पता होता कि जिस दिन हमारा आखिरी दिन होगा उस दिन हमारी चिता बारूद की और कफन वर्दी का होगा। और ये बात साहिल भी जानता था, और कहीं ना कहीं उसके पिता मिस्टर रहमान को भी ये बात पता थी। इसे तुम इस गिल्ट में मत रहो कि तुमसे कोई चूक हुई है। डॉक्टर ज्योति, आज अगर एक जान गई है तो तुम्हारी कोशिश ने दो जाने बचाई भी है। तुमने करीमा और उसके बच्चे को बचाया, इसलिए जो तुम बदल नहीं सकती उसके बारे में मत सोचो, बल्कि जो तुमने बदला है उसके बारे में सोचो। इन बातों से मुझे तसल्ली मिलेगी, ये कैसे जाना आपने? बस जान ली, शायद आज जहां तुम खड़ी हो वहां मैं कई सालों से खड़ा हूं। गलती ना करके भी गलत महसूस करना, उसकी सजा भुगतना कितनी तकलीफ देता है ये जानता हूं मैं। La 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 la
इस गिल्ट में मत रहो कि तुमसे कोई चूक हुई है। डॉक्टर ज्योति आज अगर एक जान गई है तो तुम्हारी कोशिश ने दो जाने बचाई भी है। तुमने करीमा और उसके बच्चे को बचाया। सफाई तो इसे देनी होगी, वो भी पूरे द्वारघाट के सामने। क्या आखिर मेजर आर्यन के लिए इसके दिल में है क्या? इतनी बेकरार रहती है कि एक मौका नहीं छोड़ती उससे चिपकने का। नहीं ज्योति, किसकी बातों में आ रही है तू? क्या नांटी चिढ़ती है तुझसे, नफरत करती है, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ कहा। उन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या सर, आप रेस्क्यू मिशन से जब से लौटे हैं एक रात भी चैन से सोए नहीं, और अब यहां ऑफिस में 4 बजे? काम होता है मेरे पास। ओके सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या काम है सर? सीनियर ऑफिसर्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम भी आपके जूनियर है सर, साफ दिख रहा है दाल में कुछ काला जरूर है। हेलो, मैं इस तो डेली करता हूं, पर आज इंतजार कर रहा था 4 बजने का। तुम्हारे उठने का टाइम होता है ना? अब मैं कॉल करता लेकिन मैं बहुत बिजी था। अरे अब गुस्सा मत करो, देखो तुम गुस्सा करोगी मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा फिर। हाँ तुम यही चाहती हो, यही चाहती हो? हाँ कुछ बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। बात शायद तुम ही समझ पाओगी, शायद तुम भी समझ ना पाओ, लेकिन अब ये बात मैं अपने दिल में और नहीं रख सकता। ज्योति, जो तू करने जा रही है ना वो बहुत ही स्टूपिड है। बाद में मत बोला कि वॉर्न नहीं किया था। नीचे आर्यन, आप जाग रहे हैं क्या? दिखाई दिया तुझे ज्योति, चश्मे चढ़वा ले। क्या ढूंढ रही इतनी शिद्दत से? करना तू भी ना, डरवा दिया मुझे। लेफ्टिनेंट ऋषभ, मेजर आर्यन क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें हर हफ्ते चेकअप कराने की जरूरत नहीं होती है, महीने में एक बार ही कराते हैं। आफ्टर ऑल हमारे सर इतने फिट जो हैं। बहुत अच्छी बात है, समझते क्या है वो अपने आप को? फौजी है ना, फरिश्ते तो है नहीं। अरे इंसान ही है ना, इंसान बाहर से हट्टा कट्टा लग सकता है, अंदर से बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। किडनी में पत्थर पड़ गए तो? किडनी में पत्थर? हाँ, देश की सुरक्षा का क्या होगा, सोचा है कभी उन्होंने? फिट है, हर बार सब वो प्रोटोकॉल्स याद दिलाते रहते हैं ना वो। उन्हें कहना कि हर हफ्ते चेकअप करना भी प्रोटोकॉल्स में आता है, याद दिला देना उन्हें, समझेगी नहीं? हाँ समझ गया पूरा। एक और चीज, कल रात को घर क्यों नहीं आए? हैं? अब मेरा मतलब है अपने किराए वाले घर पे क्यों नहीं आए? ओह सॉरी। गुड, सॉरी होना भी चाहिए। मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूं? उसको समझ नहीं आता क्या चल रहा है भाई। गुड मॉर्निंग मेजर आर्यन। गुड मॉर्निंग मेजर आर्यन। सर मैंने सुना है आपकी गुड नाइट भी यही हुई है।
सर, पर मेजर किराया एडवांस में देने के बाद आप यूं बेघर लोगों की तरह ऑफिस में क्यों सो रहे हैं? डॉक्टर ज्योति की वजह से। रियली? ये मेजर आर्यन बहुत परेशान करते हैं ना तुझे। रात को अपने घर नहीं जाते, दिन में चेकअप के लिए क्लिनिक नहीं आते। हाँ यार, इतना परेशान तो मेरे मैथ्स टीचर ने भी नहीं किया था मुझे। पता नहीं क्या करूं उनका। कोई भी होता यही करता सर, जो आप कर रहे हैं उससे दूर रहना ही अच्छा है। बहुत अजीब है वो। अजीब तो है, बहुत इमोशनल और परवाह करने वाली भी है, लेकिन भयंकर जिद्दी भी है। जो ठान लेती है वो करती है, क्योंकि उसे यकीन है अपनी सोच पे, खुद पे। खुद से ज्यादा अपनी ड्यूटी का ख्याल रखते हैं, तभी इतने सख्त हैं। ऐसे इतने खड़ूस भी नहीं है। अगर खड़ूस होती ना तो इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं होती कि द्वारागार्ड का हर पेशेंट उसी से इलाज कराना चाहता है। मुझे तो लगता है कि उसकी मुस्कुराहट है ना, वो पेशेंट्स पे काम करती है। आप पे भी करती है ना? एक्सक्यूज मी, बहुत फालतू टाइम है तुम दोनों के पास। डिसमिस करवा दूं तुम दोनों को। सॉरी सर। फिर आराम से बैठना या गप्पे मारते हुए। क्या हुआ? करुणा ने ज्योति से बात की? मिस कॉल तो नहीं दी अभी तक, मतलब नहीं। चलो देखते। अरे ज्योति सुनना। नहीं सुनना कुछ करुणा। क्या सोच के तूने उन सबके सामने मेजर आर्यन की तारीफ कराई मुझसे? तेरी समझ के लिए बता दूं तुझे कि मुझे वो बहुत 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 अच्छे, मेरा मतलब है नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इरिटेटिंग लगते हैं मुझे वो। हाँ, हमारा शक ना बिल्कुल सही निकला। आग ना दोनों तरफ बराबर लगी है। यही मौका है जो हमने सोचा है ना वो करने का। आप आ गईं? जी। ये लीजिए, आपके दोनों झोले तैयार हो गए। काका, ये वाला थैला ना आप रहमान चाचा क्या भिजवा देना। हाँ, ठीक है बिटिया। जी। बिटिया जी, एक एहसान करोगी, ये 5 रुपए इस बेसुरे के झोले में भी डाल दो। इसका गाना सुनकर हमारी सब्जियां भी सूख रही है। लोगों को ना परख नहीं है अच्छे ओनर की। पर आप में अचानक से ये टैलेंट आया कहां से? कहीं से नहीं मिला, पर कोशिश तो कामयाब हो गई ना। मुझे हंसाने की आपकी इस कोशिश को मैं फुल मार्क्स देती हूँ। स्कूल में थोड़ी हूँ जो इन मार्क्स से खुश हो जाऊंगा। तो फिर क्या चाहिए आपको? मेरे साथ आइसक्रीम शेयर करना चाहोगी? कोई बुद्धू ही होगा जो आइसक्रीम के लिए मना करेगा, और मैं वो नहीं हूँ। आ गए पुत्र, देख लिपस्टिक का नया शेड लेकर आई हूं। एक मिनट। ये खीखी करके क्या हंस रही है? हाँ? जब देखो दांत दिखाती रहती है। ये नहीं कि मेजर आर्यन को किसी तरीके से पटाने की कोशिश करे। जाए यहां से। हाँ। एक मिनट, ओए किरण, तू क्यों इतना लोड ले रही है? ओए तेरा पुत्र वरुण तो इतना हैंडसम है, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी है।
वो किसी विधवा के पीछे क्यों पड़ेगा? और अगर पड़ भी गया तो तू किसी से कम है क्या? पीछा तो छुड़वा के मानेगी ना। इसलिए शांत किरण मेरा, शांत। तुम्हारा आर्यन। अगर आर्यन सर को पता चला ना हम क्या कर रहे हैं तो हमारा तबादला नहीं करेंगे बल्कि किसी तबेले में बंद करके हमारा तक दिन आदिन कर देंगे। अरे तू घबरा क्यों रहा है? करुणा का प्लान एकदम सॉलिड है। अगर कुछ गलत भी हुआ तो कह देंगे इसका प्लान था। हाँ, हमें कुछ नहीं पता, सिंपल है। हाँ हाँ, कह देना। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, सस्पेंड हो जाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि मेरी दोस्त अपने प्यार का इजहार करने जा रही है। क्या बात है, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। भाई सीख कुछ, देख। देखना तो अब यह है कि मेजर आर्यन और ज्योति की लव स्टोरी कौन सा मोड़ लेती है। किस मोड़ पे आ गया हमारा रिश्ता? तुम तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती। क्या भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको तो पता है हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? सब कुछ तो बताती हूँ आपको। अच्छा, तो दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल पहनने का राज भी बता दे। ये क्या? दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल पहनने की वजह? अच्छा है, इसका मतलब समझ में तो आया। समझ आ गया क्या? वही जो तुम दोनों को साथ देखकर बाकी सबको समझ में आता है। किरण आंटी ऐसे ही थोड़ी ना वो सब कह रही थी। चलो अच्छा है, मेजर आर्यन ने पहल तो की, इसका मतलब वो इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सच में इतना ऑब्वियस है? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों की आंखों में दिखता है। अच्छा बातें छोड़ो, जाओ जल्दी से कुछ और पहन कर आओ। वैसे भी 5 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, जल्दी जाओ। भाभी मैं आती हूँ। अरे पागल, तुम्हारा कमरा उधर नहीं, इधर है। थैंक यू। काश आज ये दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बोल ही दे। Yes, girlfriend. कोई अपनी बॉयफ्रेंड को इतना वेट कराता है क्या? मेजर आर्यन, देखने में तो आप इतने रोमांटिक बिल्कुल नहीं लगते। क्या करूं मैं इंश्योरेंस के पैसों का? हाँ, इससे मेरा गुजरा हुआ बेटा क्या वापस आ सकता है? उसे दोबारा जिंदगी मिल सकती है क्या? नहीं ना। अरे मैं रोज रोज जो यहां आता हूं इन पैसों के लिए नहीं, मेरी बेटी की मौत का कौन जिम्मेदार है उसका पता करने के लिए आता हूं। उसे किसने मौत के कुएं में धकेला?
किसने उसकी जान ली, किसकी गोली से मरा, यह जानने के लिए आता हूं मैं। इतने दिन हो गए मेरे बेटे को गुजरे हुए, आप लोग कुछ पता नहीं कर सके। इतने दिनों से तफ्तीश चल रही है, अब क्या मेरी अर्थी निकलने के बाद पता चलेगा कि मेरे बेटे के कातिल कौन है? यही चाहते हैं क्या आप लोग? देखिए आप शांत रहिए, प्लीज कम डाउन, रिलैक्स, आप पानी पीजिए प्लीज। प्लीज वैसे आप टाइम के इतने पाबंद हैं, आज लेट मत कीजिएगा, मुझे वेट मत कराइएगा। वैसे ही मेरा दिल राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा है। कपिल आई एम वार्निंग यू, आगे मत बढ़ो।